हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनपीटीएल एग्ज़ाम्स के, जो कि 23 मार्च 2024 को प्रपोज्ड है। और हम लोग इसको आज जानेंगे इस वीडियोस में, कैसे हम पास होने के टेक्निक, ठीक है, और कुछ मेरे तरफ से गाइडेंस विथ माय एक्सपीरियंस, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी की बात करेंगे। तो ये है कि सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं और 20 MCQ होते हैं 1 पॉइंट्स के, और दो 20 MCQ होते हैं 2 पॉइंट्स के, और 15 2 या 3 पॉइंट्स के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस जो आ जाते हैं दोस्तों वो होते हैं 55 क्वेश्चंस, ठीक है। और जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम का होता है वो असाइनमेंट्स के सिमिलर होता है, ठीक है। इसमें पासिंग मार्क्स क्या होता है ये थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये है कि हम इसमें तभी हम एलिजिबल होते हैं सर्टिफिकेट के लिए जब हमारा मिनिमम स्कोर असाइनमेंट्स में मिनिमम 40% होता है, और जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी मिनिमम 40%, यानी कि 40% से कम किसी सब्जेक्ट्स में होते हैं तो आप आइदर किसी में भी कम हुआ तो हम लोग सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें क्या है कि सर्टिफिकेट्स का टाइप्स होते हैं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, यानी 90 से ज़्यादा या 90 के बराबर होता है तो हमको इलाइट प्लस गोल्ड ये सर्टिफिकेट पे मिलता है, 60 to 89 ये इलाइट सर्टिफिकेट मिलता है, और 40 to 59 इसमें कोई इस पे कोई मार्किंग नहीं होता है, ये नॉर्मल होता है, और लेस देन 40 पता है हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आपको दिखाते हैं सर्टिफिकेट के टाइप, ये देखिए आप इससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इलाइट लिखा हुआ है। इलाइट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना, ये 60 to 89 के स्लैब में है इसलिए इलाइट मिला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 61% दिख रहा है, और यही अगर ये मेरा 90 या 90 के बराबर होता तो यहाँ पर इलाइट प्लस गोल्ड मेडल लिखा होता है, और एक यहाँ पर एक गोल्ड मेडल का साइन दिया होता है, ठीक है। और ये दिखाता हूँ और क्या है, यहाँ पे देखिए ये ऑनलाइन असाइनमेंट जो है, अभी हमने कहा था ना 40%, तो इसमें देखिए 25 out of 25, इसमें क्या होता है मिनिमम 10 out of 25 लाने होता है मिनिमम। अगर 10 से कम आता है अगर आपका असाइनमेंट स्कोर तो आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होते, भले एग्ज़ाम में आप कितना भी नंबर लेके आए। फिर देखिए ये है प्रोटोड एग्ज़ाम, जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 75, 30, ये 36/75, यानी 75 में 36 आए हैं, ये दिया गया है, इसका वेटेज है ये, ठीक है। फिर ये सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हुए हैं, ऐसा ही होता है। यहाँ पे QR दिया होता है जिसको हम स्कैन करके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें ये है कि सर्टिफिकेट हमारा ई सर्टिफिकेट इशू होता है, हम लोग को सर्टिफिकेट जो मिलता है कोई भी हमारा वो सर्टिफिकेट कोर्स प्रिंट नहीं होता, ये गूग्रीन इनिशिएटिव के तहत NPTEL का ऐसा होता है, और कोई भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं इसका, अगर आप लोग एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो इसका एक ही उपाय है, वन एंड ओनली ये कि हमको फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर एग्ज़ाम देना होगा, असाइनमेंट्स करने होंगे, यानी कि कंप्लीट सब कुछ शुरुआत रीस्टार्ट करना पड़ता है, इसमें कोई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, इसलिए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा दोस्तों। मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले तो हमें ये करना होगा दोस्तों कि जो हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चंस हैं उसको हम कम्प्लीटली रिवाइज कर जाएंगे, ठीक है, ये रिमेंबर कर जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, याद कर जाएँ या रिवाइज़ कर जाएँ, थोड़ा मेमोराइज कर लें, ताकि कभी कभी क्या होता है कि सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप देखेंगे
बहुत सारे हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है मैंने, तो मैं ये देखता हूँ कि कभी ये रिपीटेड मतलब कि आप सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, सिमिलर क्वेश्चंस जो अभी हमने बात किया था मैं प्रीवियस स्लाइड में। और इस ये दूसरा ये होता है कि किसी किसी कोर्सेस में, ये मेनली कोर्सेस पे डिपेंड होता है उसका इंटेंसिटी और क्वेश्चन का लेवल, तो ये क्या होता है कोर्सेस में, किसी किसी कोर्सेस में ये होता है पैसेस टाइप का वो हो जाता है, पैसेस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि एक पैसेज दे देगा और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ए बी सी ऐसे करके, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे हो जाते हैं, तो इसमें तो पास होने का 100% गारंटी होता है। बट जो हमारा पैसेज नहीं आते हैं तो उसमें हमारा असाइनमेंट क्वेश्चन ही हमारा हेल्प करते हैं पास होने में। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, अगर कोई क्वेरी है तो कर दीजिएगा दोस्तों, मैं उसको कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू दोस्तों।